Hello friends, this is Dr. Bakul Dev from Unacademy Studios Placebo और ये हमारा 3 बजे वाला सेशन है जिसमें हम 11th का एक बहुत मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से दैट इज एनिमल किंगडम और आज हम एनिमल किंगडम का जो नॉन कॉर्डेटा वाला सेक्शन है उसको कंक्लूड करेंगे मोलस्का तक हम पढ़ चुके थे मोलस्का के बाद माने के एकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा ये दोनों सेक्शन आज हम कवर करने वाले हैं बच्चों अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसेबो जो है दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर नीट एज वेल एज एम्स दोनों ही एग्जाम्स के लिए जितना कंटेंट आपको चाहिए जो वेरीफाइड प्रिसाइज्ड कंटेंट आपको चाहिए वो सारा आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलता है और ये जो पीछे दिखाई दे रहे हैं लोग ये सब टीम प्लेसेबो के मेंबर्स हैं हम सब लोग मिलकर बनाते हैं टीम प्लेसेबो और डेली हम 12 आवर्स के लाइव सेशंस आपके लिए लेते हैं इसी चैनल पर अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसेबो पर तो इस टीम के साथ जुड़े रहिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए इसको सब्सक्राइब कीजिए इसको लाइक कीजिए इसको शेयर कीजिए यहाँ आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली और जो जो टॉपिक्स चल रहे हैं जो जो कंप्लीट हो रहे हैं यूनिट्स उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे सारे वीडियोज आप एक्सेस कर सकते हैं और पूरा सिलेबस हम सब लोग मिलकर आपको करवाने वाले हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो 6 लोगों की टीम है स्टूडियो प्लेसेबो की ये कौन कौन से वक्त पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कौन कौन से एजुकेटर्स आपको इस चैनल पर पढ़ा रहे हैं तो अमित सर आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं बच्चों शाम 5 बजे और रात 11 बजे दीपक सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे आनंद सर आपको जूलॉजी पढ़ा रहे हैं सुबह 10 बजे और रात 10 बजे मैं आपको जूलॉजी पढ़ा रहा हूं दोपहर 3 बजे और शाम 7 बजे का सेशन जिसमें हम रोज मिलते हैं 12th का पोर्शन जहां हम पढ़ रहे हैं रितु मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हैं शाम 4 बजे और शाम 6 बजे रोहित मालव सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं दोपहर 12 बजे और रात 8 बजे तो इस टीम के साथ जुड़े रहिए आपका पूरा सिलेबस यहां कवर होने वाला है नीट और एम्स के लिए आपको फर्दर और किसी भी मटेरियल की किसी नोट्स की किसी कॉन्टेंट की कहीं किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है दैट इज मोर देन इनफ which is being given to all of you on this splendid platform. Animal Kingdom चल रहा है हमारा section जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए मैं बताता चलूं myself Dr. Bakul Dev मैं जयपुर से हूं और 2005 onwards मैं medical aspirants को पढ़ा रहा हूं हजारों बच्चों को पढ़ाया है पिछले 15 सालों में हजारों बच्चे उनमें से select भी हुए हैं बहुत बार ऐसा हुआ है जब वो single digit rank लेकर आए और 6 बार ऐसा भी हुआ है जब मेरे students AIR first लेकर के आए अलग अलग entrance exams में medical entrance exams में तो मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर चैनल पर हैं वो भी बहुत अच्छी रैंक के साथ इस साल सेलेक्ट हों और नीट और एम्स दोनों को क्रैक करें अनअकैडमी प्लस ये बहुत बार आप लोगों के दिमाग में ये चीज आती होगी कि जब सारी की सारी चीजें लाइव यहां चल ही रही हैं देन व्हाट इज द नीड फॉर अनअकैडमी प्लस व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर अनअकैडमी प्लस इफ एवरीथिंग इज बीइंग डिलीवर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म तो मैं आपको बताता चलूं कि इस प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें आपको मिल रही हैं लाइव सेशंस आप देख रहे हैं आपके क्वेरीज भी हम कोशिश करते हैं कि ज्यादातर क्वेरीज को हम रिप्लाई कर दें लेकिन फिर भी हम आपको रोज ये चीज समझाते हैं और बताते हैं कि यू मस्ट सब्सक्राइब फॉर अनअकैडमी प्लस ऑल्सो तो उसके कुछ वैलिड रीजंस हैं वैलिड रीजंस ये हैं बच्चों के एक तो ये सारी की सारी चीजें जो प्रेजेंटेशन यहां पर चलता है उससे भी थोड़ा बेहतर प्रेजेंटेशन थोड़ा सा और एलेबोरेटेड प्रेजेंटेशन के साथ सारा का सारा मटेरियल आपको नोट्स के फॉर्म में अगर मिल जाए तो आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा सिलेब जैसे ही टॉपिक कंक्लूड हुआ जैसे ही लेक्चर कंक्लूड हुआ उसके तुरंत बाद उस लेक्चर से रिलेटेड सारी चीजें अगर आपके पास नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल हो इट इज गोइंग टू बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू जो यहां पॉसिबल नहीं है आप उनको किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं देख सकते हैं बार बार एनालाइज कर सकते हैं तो बेनिफिट हुआ कि नहीं प्लस पर दूसरा वीकली जो क्विजेज ऑर्गेनाइज होती हैं उनमें यहां भी हम छोटा सा क्विज रोज ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम 5-6 क्वेश्चन पिछले टॉपिक्स के पढ़ते हैं लेकिन अज्यूम करो कि हर वीक के एंड पर या हर यूनिट कंप्लीशन पर एक मेजर क्विज ऑर्गेनाइज हो जिसमें न केवल आप बल्कि अनअकैडमी प्लस पर नीट के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे उन टेस्ट को टेस्ट राइट करते हो तो आप सबको अपना एग्जैक्ट स्टेटस पता चलेगा कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं तो जरूरत हुई कि नहीं बच्चों अनअकैडमी प्लस की तीसरा अगर आप सबके क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाइवर्सिफाइड डाउट्स होते हैं इस टॉपिक से उस टॉपिक से किसी और चैप्टर से अब मानिए कि किसी दिन
किसी डेडिकेटेड डाउट रिमूवल सेशन में आप आएँ अनअकैडमी प्लस पर और हम सारे के सारे डाउट आपके एक एक बच्चे के इंडिविजुअली सॉल्व कर पाएँ तो इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। ये सारे के सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलते हैं जो यहाँ इस चैनल के लिमिटेशंस की वजह से हम उन सारी चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाते। इसलिए हम रोज़ आपसे कहते हैं, बार बार हम आपसे कहते हैं कि अगर नीट और एम्स आपको बहुत अच्छे से कंप्लीटली इक्विप्ड होना है सारी चीजों के लिए, यू मस्ट सब्सक्राइब फॉर अनअकैडमी प्लस। पर्सनलाइज्ड लर्निंग का इससे बेहतर प्लेटफॉर्म इस वक्त कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो जितने भी बच्चे यहां पर हैं, मैं चाहूंगा कि वो अनअकैडमी प्लस पर भी आए, वहां पर भी मेरे सेशंस चल रहे हैं। बताता चलूं कि अभी दो नए कोर्सेज अगस्त में अनअकैडमी प्लस पर लॉन्च हुए हैं। वन इज असेंट फॉर क्लास 12th, जो मैं, रोहित मालव सर, आशुतोष गौरव सर और अमित दीक्षित सर ले रहे हैं, और कंप्लीट कोर्स ऑन जूलॉजी फॉर ड्रॉपर्स, जो कि इंडिविजुअली मैं ले रहा हूं। तो ये दोनों ही कोर्सेज वहां पर कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, उनकी टाइमिंग्स भी है, सभी के शेड्यूल्ड टाइमिंग्स हैं। और मजे की बात इसमें यह है कि अगर कोई लेक्चर, कोई लाइव क्लास आप मिस कर जाते हैं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर फिर से देख सकते हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी भी बार आप उसको रिविजिट कर सकते हैं, कितनी भी बार उस क्लास को फिर से अटेंड कर सकते हैं। नोट्स तो खैर आपके पास होंगे ही, उस पर्टिकुलर क्लास के, उस पर्टिकुलर सेशन के पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स तो आपके पास आ ही जाने हैं। तो प्लस को सब्सक्राइब करो बच्चों जल्दी से। और सब्सक्राइब करने का बड़ा सीधा सा सिंपल सा तरीका है, इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन का। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सब्सक्रिप्शन का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और जब उस पेज को आप ओपन करेंगे तो बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लान्स आपको मिलेंगे। सारे प्लान्स की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, सीधे सीधे दो चीज़ों पर कैटेगराइजेशन करना है। अगर आप 12th में हैं या 12th पास कर चुके हैं तो बिना ज़्यादा दिमाग लगाए सीधे सीधे आपको ऑप्ट कर लेना है बच्चों 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। और इस सब्सक्रिप्शन का सब्सक्रिप्शन फी है जस्ट 25,000, जो इस कंटेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है जो कि आपको मिलने वाला है। और इसमें भी आपने ये रेफरल कोड यूज किया अगर बकुल 10, देन दिस फी इज गोइंग टू बी 22,500, मानी कि ये फीस और भी कम हो जाने वाला है। और दूसरा क्राइटेरियन क्या है, अगर आप 11th में हैं then you must opt for 24 month subscription, क्योंकि दो साल तक जितने भी educators यहाँ आएंगे, जितने भी courses यहाँ चलेंगे, उन सारे courses को आपके लिए available करवाया जाएगा। हर educator की class आप ले सकते हैं, हर test, हर quiz, हर major जो test organize होता है सब में आप जा सकते हैं, सारे notes download कर सकते हैं। तो बहुत 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 beneficial platform है। जो 11th में हैं बच्चे और जो तय कर चुके हैं कि उन्हें डॉक्टर बनना ही है, नीट और एम्स क्रैक करना है, दे शुड गो फॉर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन एंड जस्ट फिल दिस रेफरल कोड बकुल 10 इन दिस बॉक्स एंड द 40,000 फी विल कम डाउन टू 36,000। ओके, तो ये रोज मैं बातें करता हूँ आपसे, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको जरा ध्यान से सुन के और इन पर अमल करना शुरू करो। अनअकैडमी प्लस पर भी आओ, बहुत मजा आएगा वहां पर। तो अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करें हमारा सेशन। और आप जानते हैं कि जब हम सेशन स्टार्ट करते हैं तो एक छोटा सा क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं जरा देख लूं पहले कि क्लास में कौन कौन बच्चे इस वक्त तक आ चुके हैं। मुझे रोज ये दिखाई देता है कि जो 4-5 मिनट शुरुआती बातें मैं करता हूं, आप सब उनमें चैटिंग करने में लग जाते हैं। तो चैटिंग वैटिंग मत किया करो बच्चों, ज्यादा ध्यान दिया करो लेक्चर की तरफ और जो मैं कह रहा हूं उनको ध्यान से सुना करो सब बातों को। तरुण, विजय, रिया, मेगन, सोफिया, प्रियंका, बाला सुब्रमण्यन, अर्पित भारद्वाज। तरुण कह रहे हैं एकाइनोडर्मेटा इज अ पार्ट ऑफ नॉन कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा डेफिनेटली नॉन कॉर्डेटा, आपको आज पता चलेगा कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा में डिफरेंसेस क्या है। काजल ओझा है यहाँ पर, सर्वर आलम है, अनुपम घोष, आपका नाम आज मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ जहां तक मुझे याद आ रहा है, इससे पहले मैंने आपका नाम नहीं पढ़ाया, आप शायद आज क्लास में पहली बार आए तो अब आ गए हैं, तो कंटिन्यू रहिए। रोज हमारे 2 सेशन होते हैं, 3 बजे और शाम 7 बजे। फिर उसके बाद मैं देख रहा हूँ निखिल श्रीवास्तव, निखिल के बाद में और नए स्टूडेंट कौन कौन से हैं, अमित कुमार हैं, अमन यादव हैं, इट्स गुड, और सुमंत, फिर एक बच्चा है केमिस्ट्री फिजिक्स लवर, ओके। और अगर आप ये सेशन अटेंड करते रहे तो आप अपना नाम एडिट कर लेंगे, फिर आप अपना नाम लिखने लग जाएंगे बायोलॉजी या जूलॉजी लवर, ठीक है, देखते रहिए लगातार सेशन देखते रहिए, ठीक है ना। दानिश, अफरोज अहमद ये भी आज पहली बार आए हैं, गुड्डू कुमावत ये भी शायद आज पहली बार आए हैं, और संदीप वर्मा ये पहले आ चुके हैं एक बार, अनवर खान, दानिश रहमान, ठीक है ठीक है, लगभग सारे बच्चे मेरे ख्याल से आ चुके हैं। अब जो बच्चे आएंगे वो सेशन में आते जाएंगे। लेट अस स्टार्ट विद द क्विज, यहां तक का पोर्शन हम पढ़ चुके हैं बच्चों। चलिए जी,
Starfish exhibit. The first option, evisceration. Second option, autotomy. Third option, regeneration. Fourth option, all of the above. Reply fast. Starfish exhibit. Simple question hai. ज़्यादा tough नहीं है और मेरे ख्याल से कल किसी बच्चे ने doubt भी पूछा था evisceration के बारे में तो मैंने ये clear किया भी था. तो अब आप जरा जल्दी से बताइए. एलेना कह रही हैं 4, अनुपम घोष कह रहे हैं 4, अमन यादव कह रहे हैं 4, निखिल श्रीवास्तव, प्रीति तोमर कह रही हैं 3. वाई सो? सारे बच्चों के रिप्लाई ठीक है. प्रीति बेटा इसमें थर्ड आंसर नहीं आएगा. द करेक्ट आंसर इज 4, क्योंकि ई विश्लेषण का मतलब है ऑफेंस या डिफेंस के लिए बॉडी के विसरल ऑर्गन्स को कुछ देर के लिए बाहर प्रोजेक्ट कर देना. ऑटोटॉमी अपनी बॉडी के ही किसी हिस्से को तोड़ करके अलग कर देना फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस. और अगर वो तोड़कर अलग कर देंगे तो तभी कर पाएंगे जब उनमें रीजनरेशन की एबिलिटी भी होगी. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी 4. तो जिसने भी 4 आंसर दिया है दैट इज करेक्ट. आज पहला क्वेश्चन जो है 99% बच्चों ने उसको सही रिप्लाई किया है. वेरी गुड. चलिए जी नेक्स्ट पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल? अब इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि मुझे शक है कि आप इसमें कुछ गड़बड़ कर देंगे. तो जरा ठीक से पढ़िएगा और फिर रिप्लाई कीजिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल? फर्स्ट ऑप्शन इज लिम्यूलस, सेकंड इज नियोपिलाइना, थर्ड इज आर्कियोप्टेरिक्स, फोर्थ बोथ 1 and 2. चलिए जी आई रिपीट द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल? लिम्यूलस, नियोपिलाइना, आर्कियोप्टेरिक्स, बोथ 1 and 2. एलेना कह रही है 2. ऑल इन 1 कह रहे हैं 2. मोहम्मद सरवर कह रहे हैं 1. मैंने कहा था ना आपसे, मैंने पहले वार्न किया था आपको कि इसको अच्छे से पढ़ लेना जरा और ऐसे जल्दबाजी में रिप्लाई मत करना. ठीक है, फिर भी कुछ बच्चों के आंसर मेरे पास ठीक आ रहे हैं. चलो मैं बताए देता हूं आपको. लिम्यूलस इज नोन एज किंग क्रैब. ये भी लिविंग फॉसिल है. और नियोपिलाइना ये भी लिविंग फॉसिल है. और ये कनेक्टिंग लिंक भी है बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का. आर्कियोप्टेरिक्स को लिविंग फॉसिल तो नहीं कहेंगे, इसको मिसिंग लिंक जरूर कह सकते हैं क्योंकि ये केवल फॉसिलाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल है. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बोथ 1 and 2, लिम्यूलस एज वेल एज नियोपिलाइना. जिन भी बच्चों ने 4 ऑप्शन आंसर दिया है दैट इज करेक्ट. और जिन्होंने 4th आंसर नहीं दिया है वो थोड़ा सा अपने ज्ञान में इजाफा कर लें, थोड़ा सा अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर लें. लिम्यूलस जो है वो भी आर्थ्रोपोडा में आता है और लिविंग फॉसिल है. ठीक है, प्रियंका का आंसर सही है. और चलो ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए जी, रेस्पिरेशन इन सी कुकुम्बर अकर्स थ्रू, ये भी मैंने डिस्कस किया था, जेनाइटल बर्सा, पेरिस्टोमियल गिल्स, पेप्यूली और क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री. आई होप कि एटलीस्ट 50-60% स्टूडेंट इसको करेक्ट रिप्लाई कर पाए. रेस्पिरेशन इन सी कुकुम्बर अकर्स थ्रू जेनाइटल बर्सा, पेरिस्टोमियल गिल्स, पेप्यूली एंड क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री. Now let me have a look. कौन कौन बच्चे ठीक से रिप्लाई कर पाते हैं? 3, 4, 3, 4, 3, 4, ये आंसर आ रहे हैं मेरे पास में, लेकिन आंसर तो एक ही होगा ना. अनुपम घोष कह रहे हैं 2. बेटा 2 तो बिल्कुल भी नहीं होगा. संदीप वर्मा, प्रियंका, ठीक है, ज्यादातर बच्चों के रिप्लाई इसमें ठीक मिल रहे हैं मुझे एंड दैट इज गुड. Because sea cucumber respires through cloacal respiratory tree. Important question है, पहले पूछा जा चुका है. तो जिन जिन बच्चों ने ठीक से reply नहीं किया है वो इसको ध्यान से देख लें. Okay? चलिए जी jump करते हैं अगले question पर. Which of the following is the odd one with reference to blood vascular system? अब फिर से कह रहा हूं ध्यान से पढ़ना question को, जल्दबाजी में मत आना, अच्छे से एक्सेस करना कौन से में कौन से तरह का होता है, फिर उसके बाद रिप्लाई करना. ऑक्टोपस, पेरिप्लेनेटा, अर्थवर्म एंड ह्यूमन. चलो जी
फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन विद रेफरेंस टू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। देखो एक आंसर आया वन, एक आंसर आया थ्री, फिर आंसर आया थ्री, फिर आया वन, फिर आया टू। मैंने कहा था, आपको वार्न किया था, इसको अच्छे से पढ़ लेना, जल्दबाजी में मत जाना। बच्चों देखो मैं आपको हिंट दूं इसके लिए, जो मोलस्का के मेंबर्स हैं उनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है ओपन, लेकिन एक एक्सेप्शन है एंड द एक्सेप्शन इज सिफेलोपोड्स। सिफेलोपोड्स में क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है और उसी में इंक्लूड किया जाता है ऑक्टोपस को। तो मैं अगर लिखना चालू करूं यहां पे तो दैट इज क्लोज्ड, पेरिप्लेनेटा में आप जानते ही हैं ओपन, अर्थवर्म में आप जानते ही हैं क्लोज्ड, और ह्यूमन में भी आप जानते ही हैं क्लोज्ड। सो नाउ द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सेकेंड। तो देख लो जिस जिस बच्चे ने सेकंड ऑप्शन आंसर किया है, अभी भी कुछ बच्चे फोर दिए जा रहे हैं, कोई कुछ दिए जा रहा है, कोई कुछ दिए जा रहा है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का टाइप पूछा है आपसे, क्लोज्ड और ओपन। ओके अच्छा, इसमें आप क्या है सिंगल या डबल सर्कुलेशन वाली थ्योरी फिट नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल और डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है हार्ट के स्पेसिफाइड चैम्बर्स हो, दो चैम्बर हैं, एक बार सर्कुलेट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्लोज्ड या ओपन पर ही जाना पड़ेगा इस तरीके से जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। ओके चलो, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। मेटामॉर्फोसिस जब हमने पढ़ा था इंसेक्टा में तो हमने कुछ लार्वल स्टेजेस के नाम भी पढ़े थे बच्चों, और इसमें वही चीज आपसे पूछी जा रही है। लार्वा ऑफ मॉस्किटो इज कैटरपिलर, ग्रब, रेगुलर एंड मैगट। फोर ऑप्शंस आर देयर, रिप्लाई एंड रिप्लाई फास्ट एंड रिप्लाई करेक्ट, बिल्कुल ठीक आंसर दीजिए। नैतिक कह रहे हैं थ्री, अर्पित कह रहे हैं थ्री, अनिकेत कह रहे हैं थ्री, संदीप थ्री, विजय थ्री, प्रकाश राज थ्री, तन्वी तूर कह रही है थ्री, रुबेल कह रही है थ्री। चलिए ठीक है, आई एम सो हैप्पी। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अभी तक मेरे पास कोई भी गलत रिप्लाई नहीं आया। अमित कुमार आपने पहला गलत रिप्लाई किया है इसमें। कॉन्सेंट्रेट, मैं आपको बता देता हूं, कैटरपिलर इज द लार्वा ऑफ सिल्कवर्म, ग्रब इज द लार्वा ऑफ हनीबी, रेगुलर इज द लार्वा ऑफ मॉस्किटो, मैगट इज द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। ओके, तो किसी और के बारे में भी पूछा जाता है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर वुड बी रेगुलर, दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री। ओके, तो ये हमारा छोटा सा क्विज हुआ। एकाइनोडर्मेटा हमने कल पढ़ लिया था बच्चों, दो मिनट तीन मिनट के लिए रिवाइज करवा देता हूं आपको। एकाइनोडर्मेटा अकेला ऐसा फाइलम है, अब जरा ध्यान से सुन लेना, तीन चार पांच चीजें जो एकाइनोडर्मेटा के बारे में हमेशा याद रखनी है आपको। इट इज द ओनली नॉन कॉर्डेट फाइलम विद टू कैरेक्टर्स, अकेला नॉन कॉर्डेट फाइलम है जिसमें दो कैरेक्टर मिलेंगे, वन इज ड्यूटेरोस्टोमिक कंडीशन एंड सेकेंड इज एंटेरोसिलोम। बहुत इंपॉर्टेंट दो कैरेक्टर्स हैं जो याद रखने हैं, और इसी वजह से एकाइनोडर्मेटा को हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के साथ हम क्लासिफाई करते हैं। ये अकेला ऐसा फाइलम है, अच्छे से याद रखना, जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूसिवली मरीन वॉटर्ड हैं। ओके, इसमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मिलता है उसे हम कहते हैं हीमल एंड पेरिहीमल सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये टर्म, पूरे एनिमल किंगडम में और कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा। एक्सक्रीशन के लिए कोई, ये तीन चार पॉइंट है जो अच्छे से याद रखने हैं, वैसे कल वाले सेशन में डिटेल में बता चुका हूं, पर ये पॉइंट तो आपको याद होने ही चाहिए क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ये क्वेश्चन जो आज आपसे पूछा गया, रेस्पिरेशन, क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्री दैट अकर्स इन सी कुकुम्बर, मैंने डिस्कस किया था। डर्मल ब्रैंकी और पेप्यूली दैट अकर्स इन स्टारफिश, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं कल।
ऑटोटॉमी, रीजनरेशन, ये सब चीजें भी पढ़ चुका हूं, आपको कल डिस्कस करवा चुका हूं अच्छे से। एम्बुलेक्रल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और एम्बुलेक्रल सिस्टम का सीक्वेंस क्या है एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहले ये, यानी कि मैड्रीपोराइट एक छलनी के जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें पानी जाएगा, मैड्रीपोराइट से जाएगा फिर स्टोन कैनाल में, ये स्टोन कैनाल है, स्टोन कैनाल से फिर इसमें जाएगा जिसका नाम है रिंग कैनाल, रिंग कैनाल से जाएगा फिर इसमें जिसका नाम है रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से जाएगा फिर इनमें जिनका नाम है लेटरल कैनाल, और लेटरल कैनाल से फाइनली जाएगा इन स्ट्रक्चर्स में जिनका नाम है ट्यूब फीट। तो ये तो सीक्वेंस है बच्चों वाटर के फ्लो का। और एम्बुलेक्रल सिस्टम जिसका दूसरा नाम है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस किस चीज में असिस्ट करता है, तो इट असिस्ट इन रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन एज वेल एज लोकोमोशन। इससे मिलता जुलता सिस्टम, या कहें कि इसके जैसा एक सिस्टम स्पॉन्जेस में भी मिलता है, लेकिन वहां उसे हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम ने कह के क्या कहते हैं बच्चों, कैनाल सिस्टम। ओके, तो लेट मी सी, अमन यादव कह रहे हैं नेम द टाइप्स ऑफ पॉलिप एंड देयर फंक्शन। पॉलिप मेड्यूसा हम सीलेंट्रेटा में पढ़ चुके हैं, यू जस्ट रीविजिट द सेशन वंस, उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन हो तो बेटा मेरे से पूछना, मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप उस सेशन को जरूर देख लें। तन्वी कह रही है फाइनली नाम तो लिया सर आपने, आपका नाम रोज लेते हैं बेटा, और जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे बहुत अच्छी रैंक के साथ में तो हम और भी ज्यादा नाम लेंगे आपका, इनफैक्ट आपको बुलाएंगे एक बार स्टूडियो, विजिट कीजिएगा, आपका एक छोटा सा इंटरव्यू भी लेंगे, आप सेलेक्ट होइए पहले। तो अमन बेटा आप एक बार जाइए उस पे सेशन पे, और उस सेशन पर जाने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ कंफ्यूजन बच गया है, इन दैट केस वी विल बी डिस्कसिंग। ओके, सो ये एग्जांपल देख लो इनके, ये स्टारफिश है, एस्टेरियस और वी कैन से स्टारफिश, फिर उसके बाद में ये देख लीजिए ये ब्रिटल स्टार है, ऑफियूरिया, ये सी अर्चिन है, ये हार्ट अर्चिन है, ये सब मैं कल बता चुका हूं आपको, ये सी कुकुम्बर है, ये आपका एंटेनॉन है, फेदर स्टार, और ये है सी लिली। ठीक है ना, ये सब चीजें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। So now let us move to Asterius starfish, ये रहा starfish, Ophiuria ये रहा brittle star, Echinus और sea urchin ये रहा, इसमें आप याद कर लेना इसमें एक masticatory structure होता है Echinus में, ये इस पर बहुत बार question पूछा गया है, masticatory structure near the mouth which is known as अरस्तूज लेंटर। ठीक है, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछा गया है। इकाइनोकार्डियम हार्ट अर्चिन, वो जो कोने में दिखाई दे रहा है हार्ट के शेप का, होलोथूरिया और कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, एंटेडॉन और फेदर स्टार। फेदर स्टार इस वजह से बोला क्योंकि बर्ड्स के स्किन पर जो फेदर्स होते हैं लगभग वैसे ही फेदर्स इन पर मिलते हैं, दैट्स व्हाई फेदर स्टार। और सी लिली, इसके बारे में आपको याद रखना है, दिस इज सेसाइल और सीडेंटरी, ये चिपका रहता है एक जगह से, प्लांट के जैसा दिखाई देता है, इसमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट एकाइनोडर्मेटा। नाउ वी कम टू ए वेरी स्मॉल फाइलम हेमीकॉर्डेटा। ओके, अच्छा बच्चों हेमीकॉर्डेटा हम पढ़ें उससे पहले जरूरी ये है, हेमीकॉर्डेटा का मतलब क्या होता है,
हाफ कॉर्डेट्स, तो हाफ कॉर्डेट्स हम पढ़े उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई फुल कॉर्डेट क्या होते हैं, तब तो हम ये जान पाएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ कॉर्डेट, क्योंकि पहले कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स हमें पता हो, इन दैट केस वी विल बी एबल टू कंपेयर द थिंग्स। ओके, तो मैं आपको पहले कॉर्डेटा के बारे में बताऊंगा और फिर इस पर आएंगे हम हेमिकॉर्डेटा पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो, कॉर्डेटा का कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसे कॉर्डेटा में क्लासिफाई करना है हमें, उसको फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूड करना है हमें, तो उसका एक ही तरीका है कि उसकी लाइफ साइकिल में ये चारों कैरेक्टर्स किसी ना किसी वक्त पर अपीयर होने चाहिए, चाहे बाद में वो डिसअपीयर हो जाएं, दैट इज अ डिफरेंट इशू, लेकिन एक बार अपीयर जरूर होने चाहिए। और ये चार कैरेक्टर कौन कौन से हैं? नोटोकॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल्सलेट्स एंड पोस्ट एनल टेल। अब मैं आपको ये चारों समझाता हूं। मैं एक कॉर्डेट के एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट का एक स्कीमेटिक डायग्राम आपके लिए बना देता हूं, जिनसे इन चारों की लोकेशन और बाकी सारी की सारी चीजें आपको समझ में आए। ओके, तो इसको ड्रॉ करते हैं यहां। या एक मिनट रुकिए जरा, लेट मी हैव अनदर वर्जन। ये मैं आपके लिए एक टिपिकल कॉर्डेट ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ये भी अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं इन अ व्हाइल। थोड़ा सा आप रुकिए जरा, ये जो रॉड के जैसा स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं ना रेड कलर से, इसी को कहते हैं बच्चों नोटोकॉर्ड। ठीक है, अब ये हो गया इनका एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल जो है इसको मैं फिर से ड्रॉ करूं यहां। ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल, ये पीछे की तरफ एनस या क्लोएका, इनमें से कोई एक अपर्चर है जिससे ये ओपन होंगे, and ultimately this is the structure of a typical chordate। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं जरा समझ लीजिए। ये जो चार कैरेक्टर मैंने मेंशन किए हैं, चारों को कलेक्टिवली एक्सप्लेन करता हूं, अच्छे से इनको समझिएगा सारे के सारे बच्चे। दिस इज द एम्ब्रियोनल डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ए टिपिकल chordate, और जैसा कि मैंने बताया कॉर्डेटा में ऑर्गेनिज्म को तब क्लासिफाई किया जाएगा जब उसमें ये चार बेसिक कैरेक्टर्स एसेंशियली प्रेजेंट हो, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल्सलेट्स एंड पोस्ट एनल टेल। इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि ये इनका डॉर्सल एस्पेक्ट है, ये वेंट्रल, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। ठीक है जी, अब इसको लेबल करते हैं। चलिए, ये जो ब्लू कलर का हॉलो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बॉडी वॉल के ठीक पीछे, डॉर्सल बॉडी वॉल के ठीक नीचे, इस हॉलो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ठीक है जी, अब डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड तो हो गया डॉर्सल एस्पेक्ट पर, वेंट्रल एस्पेक्ट पर ये जो दिख रहा है आपको, ये है इनका
एलिमेंट्री कैनाल जो कि कंप्लीट है, क्योंकि आगे की तरफ हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, माउथ, और पीछे की तरफ ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको या तो हम कहेंगे एनस और या फिर इसको हम क्या कहेंगे, क्लोएका। एनस इज द एक्सक्लूसिव ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पॉइंट वन। क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल। कुछ में केवल डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी का ओपनिंग होता है, कुछ में डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव तीनों का कॉमन ओपनिंग जो होता है उनको क्लोएका कहते हैं। ठीक है जी। अब माउथ और एनस इसके बीच में ये एलिमेंट्री कैनाल दिख रहा है, तो एलिमेंट्री कैनाल के लेटरल एस्पेक्ट पर ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यही स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है जी। और अब इस एनस के पीछे की तरफ देखो ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम कहेंगे पोस्ट एनल टेल। तो अब आपके सामने कॉर्डेटा के चारों करेक्टर्स क्लियरली आ गए हैं। सबसे पहला करेक्टर है बच्चों नोटोकॉर्ड, फर्स्ट। तो ये नोटोकॉर्ड, अच्छा नोटोकॉर्ड मैंने लेबल नहीं किया, दिस इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक रॉड के जैसा स्ट्रक्चर है जो ओरिजिन में मीजोडर्मल होता है, और हमारे या किसी भी कॉर्डेट के एम्ब्रियोनल डेवलपमेंटल हिस्ट्री में जो पहला स्केलेटल या सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोटोकॉर्ड। ओके, वेयर इट इज फाउंड, इट इज लोकेटेड बिटवीन नर्व कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल। अब ये जो नोटोकॉर्ड है इसका बड़ा इंटरेस्टिंग फेट है। ये बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, हम कॉर्डेटा, लेकिन कॉर्डेटा में ही एक और ग्रुप आता है वर्टिब्रेटा। कई जगह इनको सिनोनिम्स की तरह काम में लिया जाता है कि कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स भी कहलाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये सिनोनिम्स नहीं है। तो कॉर्डेटा में क्या मिलेगा सब में, नोटोकॉर्ड। अगर ये नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट डिसअपियर हो जाए, खत्म हो जाए, और इसकी जगह क्या बन जाए, वर्टिब्रल कॉलम, तो ऐसे कॉर्डेट्स को हम क्या कहेंगे, वर्टिब्रेट्स। तो इन ऑल बात क्या हुई, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। रिपीट कर रहा हूं, ऐसे कॉर्डेट्स जिनमें नोटोकॉर्ड तो डिसअपियर हो गया और उसकी जगह पर क्या बन गया, वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे कॉर्डेट्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स। सो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, लेकिन अगर रिवर्स कर दें ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स देन द स्टेटमेंट विल बी फॉल्स, करेक्ट। दूसरा है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड के बारे में आपको यह बहुत खास बात है जो याद रखनी है, अगर नॉन कॉर्डेट्स में आपसे नर्व कॉर्ड के बारे में पूछा जाता है तो नॉन कॉर्डेट्स का नर्व कॉर्ड हमेशा वेंट्रल होगा और हमेशा सॉलिड होगा। आ गई बात समझ में, जैसे हम एनेलिडा में पढ़ते हैं डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, आर्थ्रोपोडा में पढ़ते हैं डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, मॉलस्कंस में होता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड विल बी ऑलवेज वेंट्रल, पॉइंट वन, इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, एंड इट विल ऑलवेज बी सॉलिड, हॉलो नहीं होगा। जबकि कॉर्डेट्स में अगर हम आएंगे तो डॉर्सल होगा और हॉलो होगा। ये नॉन कॉर्डेटा कॉर्डेटा का एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है। तीसरा है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये आपको दिखाई दे रहा है फेरिंग्स, मान लो कि ये फेरिंग्स वाला रीजन है तो लेटरल एस्पेक्ट पर इधर और इधर पेयर्स में होंगे। तो मैं इसके नीचे एक चीज और ऐड कर दूं, पेयर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स दोनों तरफ होंगे, दोनों लेटरल सरफेसेस पर। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोस्ट एनल टेल। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों पोस्ट एनल टेल, इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। मतलब टेल नॉन कॉर्डेटा में भी मिल सकता है लेकिन वो टेल पोस्ट एनल नहीं होगा कभी भी, इट हैज टू बी प्री एनल। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट एस्केरिस, तो एस्केरिस के अंदर मान लो हम ये कहना चाहें कि भाई ये वाला पोर्शन टेल है, एज्यूम करो, तो इसमें एस्केरिस में एनस यहां पर होता है पीछे की तरफ,
तो ये जो टेल है ये एनएस के पहले ही आ गया, टेल वाला रीजन, या किसी भी और नॉन कॉर्डेट में अगर मैं टेल टर्म यूज करूंगा इट इज प्री एनल टेल, इट इज ऑलवेज लोकेटेड एंटीरियर टू एनस। एनस के पीछे की तरफ टेल अगर है तो एसेंशियली इट इज कॉर्डेट। तो बात आपको समझ में आ गई, कॉर्डेटा के चारों करेक्टर्स, फोर बेसिक कॉर्डेट करेक्टर्स आर डॉर्सल टिबुलर नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, पेयर्ड गिल स्लिट्स, फेरिंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है बच्चों वो ये कि ये जरूरी नहीं है कि किसी कॉर्डेट में ये चारों करेक्टर एक साथ दिखाई दें। जैसे अब हमारी बॉडी में बात करें तो भाई हमारी बॉडी में तो अब इनमें से केवल एक करेक्टर बचा हुआ है, दैट इज डॉर्सल टिबुलर नर्व कॉर्ड। न तो नोटोकॉर्ड है, उसकी जगह वर्टिब्रल कॉलम आ गया, गिल स्लिट एम्ब्रियो में डेवलप हुए थे कुछ देर के लिए फिर बाद में खत्म हो गए, और टेल भी एम्ब्रियो में अपियर हुआ था फिर खत्म हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि चारों करेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म में एक साथ मिलें, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ हिस्ट्री कभी ना कभी ये करेक्टर अपियर जरूर जरूर होने चाहिए, तभी उस ऑर्गेनिज्म को हम कॉर्डेटा में क्लासिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो अब जब आपको कॉर्डेटा के बारे में चीजें समझ में आ गई हैं, इन दैट केस आई शुड डिस्कस, चलो मैं देखूं कोई क्वेश्चन आया है क्या। चलो ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आएगा तो मैं रिप्लाई करूंगा उसको। हाँ, अब जब आपको कॉर्डेटा के सारे करेक्टर अच्छे से समझ में आ गए, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट हेमिकॉर्डेट्स और वी कैन से हाफ कॉर्डेट। अब आपको हाफ कॉर्डेट का मीनिंग समझ में आएगा, ठीक है जी। हेमिकॉर्डेटा के जनरल करेक्टर्स पर आ जाओ सबसे पहले। देखो सबसे पहली चीज क्या लिखी है यहां, दे आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मरीन, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर वर्म लाइक, जैसे अर्थ वर्म होता है, नरीज होता है, सैंड वर्म होता है, तो वर्म के जैसा बॉडी है इनका, और इनके बॉडी के डिवीजन भी बड़े स्पेसिफिक हैं। कैसे, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है देखो, प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक, इसको तो हम कहते हैं, ये देखो पहला हिस्सा क्या है प्रोबोसिस, दूसरा हिस्सा क्या है कॉलर, और तीसरा हिस्सा क्या है ट्रंक, ये इनकी बॉडी के डिविजन्स हैं। एंटेरोसीलोम मिलेगा इनमें और ड्यूटेरोस्टोमिक होंगे, ठीक है जी। ये चीज मैं बता ही चुका हूं, एकाइनोडर्मेटा में, हेमिकॉर्डेटा में और कॉर्डेटा में, तीनों में ये करेक्टर कॉमन होता है। अब देखो स्टोमोकॉर्ड, ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें अगर मैं बात करूं तो ये मान लो इनका प्रोबोसिस है, ये कॉलर है, और ये ट्रंक वाला रीजन है जो कि मैंने बताया है। तो इनमें एक स्ट्रक्चर मिलता है स्टोमोकॉर्ड विच इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड बट नॉट नोटोकॉर्ड एग्जैक्टली, नोटोकॉर्ड नहीं होता लेकिन नोटोकॉर्ड से सिमिलैरिटी एग्जिबिट करता है, और बॉडी के केवल इस हिस्से में मिलता है, पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड नहीं होता, ठीक है जी। तो कॉर्डेटा के जो चार करेक्टर पड़े थे ना, नोटोकॉर्ड पड़ा था, तो उससे मिलती जुलती एक चीज यहां पर आ गई। अब दूसरा देखो गिल स्लिट्स, तो गिल स्लिट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कॉर्डेटा में, फेरिंजियल गिल स्लिट्स जो क्या है, पेयर्ड एज वेल एज लेटरल, लेटरल सर्फेसेस पर होंगे और पेयर्ड होंगे। यहां क्या है डॉर्सल गिल स्लिट्स, कहने का मतलब बॉडी के डॉर्सल सर्फेस पर यहां ये गिल स्लिट्स मिलेंगे इस हिस्से में, लेटरल नहीं है, तो ये भी कॉर्डेटा से करेक्टर पूरी तरह से मैच नहीं हुआ। गिल स्लिट्स आर देयर बट दे आर डॉर्सल एंड एट द सेम टाइम दे आर इल डेवलप्ड, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनका ओपन है, और ये जो पोस्ट एनल टेल वाला फीचर है और डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड वाला फीचर है, ये दोनों होते ही नहीं। तो ये दो फीचर तो है नहीं, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और पोस्ट एनल टेल, और बाकी जो दो फीचर हैं उनसे मिलते जुलते फीचर हैं, जैसे नोटोकॉर्ड से मिलता जुलता उनमें स्टोमोकॉर्ड मिल जाता है, और गिल स्लिट हैं लेकिन वो लेटरल ना होके कैसे हैं डॉर्सल, इस वजह से इनको हमने क्या कहा बच्चों हाफ कॉर्डेट्स, क्योंकि कॉर्डेटा के आधे ही करेक्टर्स
इनमें मिलते हैं। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड द लार्वल स्टेज इज नोन एज टॉर्नेरिया। ये जो ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है बेलेनोग्लॉसिस, इसका दूसरा नाम है टंग वर्म। तो इस फाइलम में बस आपको इतनी ही चीजें याद रखनी है, इसके अलावा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फिर से बताए देता हूं, हेमिकॉर्डेट्स आर नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इनके बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है। ओके, कनेक्टिंग लिंक क्यों है? क्योंकि कॉर्डेटा के जो बेसिक फीचर्स हैं वो तो इनमें नहीं मिलते चारों, लेकिन दो करेक्टर से मिलते जुलते करेक्टर मिलते हैं। नोटोकॉर्ड से मिलता जुलता एक छोटा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है स्टोमोकॉर्ड, हालांकि उसका ओरिजिन डिफरेंट है। और गिल स्लिट्स जो लेटरल साइड पर होने चाहिए थे वो लेटरल पर न होकर कहां होते हैं? डॉर्सल। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज हाफ कॉर्डेट्स एंड दे आर कनेक्टिंग लिंक एज वेल। बॉडी का डिवीजन प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक, एंटेरोसिलोम और यूटेरोस्टोमिक कंडीशन, ये आपको एकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा तीनों के लिए अच्छे से मेमोराइज कर लेने हैं। और लार्वल स्टेज भी इनका कई बार पूछ लिया जाता है, द लार्वा इज नोन एज टॉर्नेरिया। और केवल एक एग्जांपल इसमें याद रखना है आपको, दैट इज बेलेनोग्लॉसिस आल्सो नोन एज टंग वर्म। तो नॉन कॉर्डेटा के सारे फाइलम माने कि प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केहेलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, एकाइनोडर्मेटा, ये सब हमने पढ़ लिए। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया बच्चों? हेमिकॉर्डेटा। अब हम हमारे आखिरी फाइलम की तरफ बढ़ते हैं एंड द लास्ट फाइलम इज कॉर्डेटा। मीनव्हाइल में देख लूं एक बार, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है क्या? देखो प्रोबोसिस एक जनरल टर्म है, ये एलेना प्रोबोसिस एक जनरल टर्म है। अब हाथी है तो हाथी में जो सूंड है उसको भी प्रोबोसिस ही कहते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो प्रोबोसिस कोई स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सी जगहों पर मिलता है प्रोबोसिस। क्लियर? और देखता हूं कोई क्वेश्चन मेरे पास आया है क्या। ठीक है, अभी मेरे को एज ऑफ नाउ कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। आप एक बार फिर से इस स्क्रीन को अच्छे से देख लें, इसके करेक्टर्स अच्छे से समझ लें। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए एक बार फिर से, बेसिक कॉर्डेट करेक्टर्स। यहां से मैं एक बार स्क्रीन से हटता हूं, अच्छे से देखिए इसको। देयर आर फोर बेसिक करेक्टर्स, फर्स्ट नोटोकॉर्ड, सेकेंड डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, थर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फोर्थ पोस्ट एनल टेल, एंड ऑल दीज कैरेक्टर्स मस्ट बी प्रेजेंट और मस्ट अपीयर ड्यूरिंग द लाइफ हिस्ट्री। जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे कैरेक्टर एक साथ अपीयर हों, लेकिन कभी ना कभी ये अपीयर जरूर होने चाहिए। आ गई बात समझ में? और इनका लोकेशन जो है ये भी आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट बेसिक कॉर्डेट करेक्टर्स। ये रॉड शेप स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें कुछ चीजें मैं आपके लिए ऐड किए देता हूं बच्चों, और जो चीजें मुझे ऐड करनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है। नोटोकॉर्ड, पहली चीज जो आपको याद रखना है, इट इज रॉड शेप्ड। दूसरी चीज याद रखनी है, इट इज मीजोडर्मल। और तीसरी चीज याद रखनी है दैट इट इज फर्स्ट स्केलेटल स्ट्रक्चर, या हम कहें सपोर्टिव स्ट्रक्चर अपीयरिंग ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल
डेवलपमेंट ऑफ कॉर्डेट्स, ठीक है जी। तो नोटोकॉर्ड अच्छे से याद रखिएगा। और एक चीज और, इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। जिनमें भी नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम से, उनको हम क्या कहेंगे बच्चों? वर्टिब्रेटा। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड ये हो ही गया। हमारी बॉडी में जो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है उसके आगे वाले हिस्से से ब्रेन बनेगा, पीछे वाले हिस्से से स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। एलिमेंट्री कैनाल आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है, माउथ, एनस एंड क्लोएका। क्लोएका के बारे में आपको बता चुका हूं, क्लोएका इज कॉमन ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। कुछ में दो ही होंगे, कुछ में तीनों होंगे, दैट विल बी द ओनली डिफरेंस। ओके, तो कॉर्डेटा के करेक्टर सबको अच्छे से क्लियर है मेरे ख्याल से। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना चाहिए कि कॉर्डेट्स के बेसिक करेक्टर्स कौन से होते हैं। चलो अब मैं आगे चलता हूं बच्चों, और हम आते हैं कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन पर। अब जो क्लासिफिकेशन का चार्ट मैं बनाने वाला हूं, उस चार्ट को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ज्यादातर कॉर्डेट्स के बेसिक फीचर्स आपको इस चार्ट से याद हो जाने वाले हैं। सो बी अटेंटिव। थोड़ा सा इधर उधर की चैटिंग आप लोग बंद कीजिए। अब मैं आप लोगों के लिए यहां एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं। सो हियर इज कॉर्डेटा। बच्चों सबसे पहला जो डिवीजन है कॉर्डेट्स का, वो डिवीजन किस बेस पर होता है? पहला ग्रुप कहलाता है एक्रैनिया। और दूसरा ग्रुप कहलाता है क्रेनिएटा। ठीक है जी। अब एक्रैनिया और क्रेनिएटा आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि भाई एक्रैनिया का मतलब तो सीधा सा ये हो गया कि क्रेनियम एब्सेंट है, और यहां क्रेनियम प्रेजेंट है। पहली चीज, फर्स्ट बेस ऑफ द डिवीजन, दैट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द क्रेनियम। अब क्रेनिएटा, या यूं कहें एक्रैनिया में दो ग्रुप आते हैं। पहला यूरोकॉर्डेटा और दूसरा सिफिलोकॉर्डेटा। ठीक है जी। और जिस तरीके से इसमें यूरोकॉर्डेटा और सिफिलोकॉर्डेटा आते हैं, इसमें एक ही ग्रुप इंक्लूड किया जाता है, दैट इज वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा के बारे में मैंने अभी आपको क्या बताया, दैट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है जी। चलिए आगे चले। अब जो वर्टिब्रेटा है, इस वर्टिब्रेटा को हम फिर दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और इस बार हमारे पास जो डिवीजन का बेसिस है वो क्या है, देखो, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। एक नेथा का मतलब क्या हुआ बच्चों? GNATHA, नेथा का मतलब होता है जॉ, यानी कि जबड़ा। तो इनमें जॉ एब्सेंट है और यहां जॉ प्रेजेंट है। ठीक है जी।
अब नेथोस्टोमेट्स को, या उससे पहले मैं बता दूं कि एक नेथा में हम तीसरा ग्रुप डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा, दैट कम्स अंडर ए नेथा। नेथोस्टोमेटा को अब हम डिवाइड करेंगे टू सुपर क्लासेस। द फर्स्ट सुपर क्लास इज पाइसीज और पीसीज, सेकेंड इज टेट्रापोडा, एंड एज द नेम सजेस्ट इन दिस केस लिम्ब्स आर एब्सेंट, एंड इन दिस केस लिम्ब्स आर प्रेजेंट। टू पेयर पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब्स की बात कर रहा हूं बच्चों, एंड फाइनली द टेट्रापोड्स आर डिवाइडेड इन फोर क्लासेस। फर्स्ट एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। ये जो चार्ट मैंने यहां ड्रॉ किया है ना बच्चों, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आपको बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। जैसे मैंने नॉन कॉर्डेटा का चार्ट बनाया था और आपसे कहा था कि उसको आपको बिल्कुल टिप्स पर रखना है जिससे नॉन कॉर्डेटा के बेसिक करेक्टर्स आपको अच्छे से याद हो जाए, तो पहले तो इसको देख लो फिर से। The basic characters of chordates, four basic characters. The first is notochord, which is a rod-shaped structure. इसको मैं revise करवा दूँ आपको जल्दी से। Notochord is a rod-shaped structure. Mesodermal in origin, बहुत important point है. And it is the first skeletal structure or supportive structure which appear during embryonal development of chordates. And finally, in case of vertebrates, notochord is gradually replaced by vertebral column. तो notochord को लेकर ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। दूसरा है dorsal tubular nerve cord. तो ये रहा आपका dorsal tubular nerve cord. This one. Dorsal tubular nerve cord is located just below the dorsal body wall. Point one, it is hollow structure. और इसी के साथ आपको यह याद हो जाना चाहिए बच्चों कि non chordates में अगर nerve cord होगा तो वो dorsal न होके ventral होगा और दूसरा वो hollow न होके solid होगा, ठीक है जी। Pharyngeal gill slits, इनके बारे में आपको याद रखना है, paired होते हैं और pharynx के lateral surface पर present होते हैं। एंड पोस्ट एनल टेल, ए टेल विल बी प्रेजेंट पोस्टीरियर टू एनस, एनस के पीछे की तरफ एक टेल अपियर होगा। और आखिरी में मैं फिर से रिपीट कर दूं, ऑल दीज करेक्टर्स मस्ट अपियर ड्यूरिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ कॉर्डेट्स, ये अपियर होने चाहिए, सारे एक साथ हो ये जरूरी नहीं है। अब मैं आता हूं चार्ट पर। फाइलम कॉर्डेटा जो है इसको इनिशियली हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक्रेनिया जिनमें क्रेनियम नहीं है, क्रेनियम नहीं है इसका मतलब हेड भी नहीं होगा, ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि क्रेनियम का मतलब क्या है, वो बोन्स जो किसको कवर करते हैं, किसको एनकैप्सुलेट करते हैं, ब्रेन को। दूसरा है क्रेनिएटा, क्रेनिएटा का मतलब हो गया जिसमें क्रेनियम प्रेजेंट है। अब एक क्रेनिया में दो ग्रुप आते हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफिलोकॉर्डेटा। क्रेनिएटा में एक ही ग्रुप है, दैट इज वर्टिब्रेटा। तो क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा को कई बार सिनोनिम्स की तरह भी काम में ले लिया जाता है। और वर्टिब्रेटा में हमने क्या पढ़ा, दैट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ओके, नाउ वर्टिब्रेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, एग्नेथा जिनमें जॉ यानी कि जबड़ा नहीं है, नेथोस्टोमेटा जिनमें कि जॉ या जबड़ा प्रेजेंट है। इसमें हम एक ग्रुप पढ़ते हैं साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें मिक्सीन, पेट्रोमाइजोन ये सब आते हैं, माइग्रेशन आते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे आगे। नेथोस्टोमेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इन टू सुपर क्लासेस,
Pisces and Tetrapoda, and now the basis of division is whether limbs are present or absent. तो fishes में limbs नहीं होते, ये तो आप जानते ही हैं, और Tetrapoda का मतलब हो गया two pair of pentadactylous limbs. मैं लिखूं यहां two pair pentadactylous limbs. Pentadactylous limbs का मतलब हो गया ऐसे limbs जिनमें पांच digits भी हों, जैसे हमारे हाथ में पांच digits हैं. आ गई बात समझ में? तो ऐसे limbs कहलाते हैं pentadactylous limbs. और finally tetrapods को हमने चार classes में divide किया, that is amphibia, reptilia, aves and mammalia. This is your basic chart of the classification of chordates. अब आपका जो NEET का prescribed syllabus है उसमें ये लिखा हुआ मिलता है that non-chordata up to phylum level and chordata up to class level. एक बार इस chart को देख लो, किसी को screenshot लेना हो इसका तो screenshot लेके रख लो. ठीक है, लिम्बलेस एम्फीबिया भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और उनको हम एम्फीबिया जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे डेफिनेटली कि लिम्बलेस कौन से होते हैं. और अब ये गेमर हैं, कोई ये पूछ रहे हैं मीजोडर्म क्या होता है, तो मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ये सब तो हम बेसिक्स जब पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम के उनमें डिस्कस कर चुके हैं. You should visit the first session, first lecture, Basics of Animal Kingdom type kijiyega YouTube ke search bar pe, Unacademy Placebo ke saath mein aapko ek session khulega, usko acche se dekh lijiyega. Second session in fact. Okay. Aur Ostracoderma, yahan padhenge inko, Chondrichthyes, Ostrichthyes, ye sab hum padhne wale hain. एलेना कह रही है साइक्लोस्टोमेटा आर फिशेस. अब देखो साइक्लोस्टोमेट्स हैं तो बिल्कुल फिश के जैसे ही, लेकिन ट्रू फिश तो इसमें आएंगे, तो इनको हम क्या कह देंगे साइक्लोस्टोमेट्स को, जॉलेस फिशेस. हालांकि ये भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं. एलेना आपको आंसर मिल गया होगा. और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है. नाउ ये आपके जनरल कैरेक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं कॉर्डेटा के. कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन चार्ट भी हम पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं बच्चों. अब यूरोकॉर्डेटा, जिसमें देखो ये हर्डमैनिया दिख रहा है आपको, एसिमेट्रिकल सा ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में बताऊंगा मैं कल वाले सेशन में. सिफिलोकॉर्डेटा, जिसमें यह एम्फियोक्सस दिखाई दे रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे. साइक्लोस्टोमेटा को भी डिस्कस करेंगे. But now today we are running out of time, so we should conclude this session as of now. अच्छा, पुराने sessions अब बच्चों जिसने नहीं पढ़े हैं basics animal kingdom के, at least उनको फिर से पढ़ ले, उनको फिर से review कर ले lectures को, क्योंकि अब हम हमारे taxonomy के आखिरी section में आ गए हैं, that is phylum chordata. तो अब जल्दी जल्दी हम लगभग लगभग हर दिन एक क्लास कंप्लीट करेंगे, एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक एनिमल किंगडम सेक्शन विल बी कंप्लीटेड. ओके, फिर उसके बाद हम एनिमल किंगडम का एक मेगा क्विज ऑर्गेनाइज करेंगे, और उस पूरे के पूरे सेशन में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे वो, प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, उन क्वेश्चंस को हम उस एक सेशन में डिस्कस करेंगे. बट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट दिस पर्टिकुलर यूनिट एनिमल किंगडम. ओके, तो अब आज के लिए इतना ही. शाम को 7 बजे वाले सेशन में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल बताया था ना आपको, आज शाम 7 बजे हम पढ़ने वाले हैं. मेरे ख्याल से मुझे ये कहना चाहिए कि आपके 12th के जितने भी टॉपिक्स हैं जूलॉजी के, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन. लेमार्कियन कंसेप्ट, डार्विनियन कंसेप्ट, ह्यूगो डी व्रीज, देन सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. और ये बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं, और आपको इन सब के बारे में पूरा अच्छे से पता होना चाहिए. तो ठीक शाम 7 बजे हम मिलते हैं. आप सब बच्चे शार्प 7 o'clock क्लास में प्रेजेंट रहिएगा, और हिट द बेल आइकन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस पोस्ट एट द मैक्सिमम. आज बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं क्लास में पहली बार आए हैं,
दिस इज माई सबमिशन टू ऑल ऑफ देम कि आप आज आए हैं तो रेगुलरिटी रखिए और कॉन्टिन्यूटी रखिए। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक सीधा सा फंडा होता है, और वो सीधा सा फंडा क्या है बच्चों, कि बहुत ज़्यादा आईक्यू हो आपका कोई ज़रूरत नहीं है, आपका प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ब्रिलियंट रहा हो कोई ज़रूरी नहीं है, आपसे केवल एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट है कॉन्टिन्यूटी एंड कमिटमेंट। अगर आप कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करते हैं डेली, आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं बिना किसी गैप के, और दूसरा आपका कमिटमेंट प्रॉपर है, तो आपका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड कुछ भी रहा हो ट्वेल्थ तक, या आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा न हो, आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हों, डजंट मैटर एट ऑल, लेकिन आप इस एक साल के ड्यूरेशन में क्या करने वाले हैं, केवल ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखिए, और केवल इसको मुझे यूं कहना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल पर्पज पर इन क्लासेस को मत लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत सिंसियर एफर्ट्स किए जा रहे हैं आप सब लोगों के लिए। तो जो जो चीज़ें, जो जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, बहुत सीरियसली, बहुत सिंसियरली उन पर ध्यान दीजिए, उन पर फोकस कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ, जैसे एनिमल किंगडम का ये सेक्शन हम कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जिस वक्त ये सिलेबस हमारा कंक्लूजन पर आ जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस नीट में हमारे कंटेंट से बाहर नहीं आएंगे, सब इसी में से आने वाले हैं। आपने अगर इस कंटेंट पर मास्टरी कर ली, देन यू आर 100% प्रिपेयर्ड टू अपियर इन नीट एज वेल एज इन एम्स बोथ। सो अगेन हिट द बेल आइकन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करो बच्चों, जल्दी से मैं आप सबका वेट कर रहा हूं वहां पे। गुड बाय, मिलते हैं ठीक 7 बजे, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।